सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में टैलेंट पैक पे। सो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ सी फॉप ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट लेके। इस गाइस थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, हमें करना होता है ओएलएल। ओएलएल का मतलब है ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर। ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वाइट पे क्रॉस बनाया और फिर हमने अपनी एफ टू एल फर्स्ट टू लेयर्स को कंप्लीट कर लिया, फिर ओ एल एल करना होता है। ओ एल एल क्या कहते हैं, जो क्रॉस बनाया उसके अपोजिट जो कलर है, जैसे हमने व्हाइट पे बनाया क्रॉस तो हमारे अपोजिट है येल्लो, तो येल्लो पे हमें येल्लो का पूरा फेस हमें बनाना पड़ेगा। हमें उसके कॉर्नर्स और एजेस से कोई मतलब नहीं है, हमें बस उसका फेस कंप्लीट करना है और एफ टू एल पेयर भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए। यही होता है ओ एल एल, तो अभी इसी को ही करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चले गए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हमेशा की तरह अब एक और बार देख लेते हैं। पहले बात तो बेसिक नोटेशंस क्या होती है, बेसिक नोटेशंस देखते हैं। अपर लेयर को यू से डिनोट करते हैं, फ्रंट लेयर को एफ से डिनोट करते हैं, बैक लेयर को बी से डिनोट करते हैं, राइट लेयर को आर से डिनोट करते हैं, लेफ्ट लेयर को एल से डिनोट करते हैं, डाउन लेयर को डी से डिनोट करते हैं और मिडल लेयर को एम से डिनोट करते हैं। तो ये थे बेसिक नोटेशन। अब देखते हैं साइंस, साइंस क्या कहते हैं। गाइस बेसिक नोटेशन देख लिए, अब साइंस देख लेते हैं। साइंस है राइट और लेफ्ट के लिए हम अपर एरो और डाउन एरो का यूज़ करते हैं, फ्रंट और बैक के लिए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो का यूज़ करते हैं, अपर और डाउन के लिए हम लेफ्ट एरो और राइट एरो का यूज़ करते हैं, और मिडल लेयर के लिए हम राइट और लेफ्ट जो थे उन्हीं के एरोज़ का यूज़ करते हैं। गाइस देख लेते कोई अदर नोटेशन, जो अलग नोटेशन जो सिर्फ ओ एल एल में यूज़ होती है, जो कि ओ एल एल में आपको इंट्रोड्यूस होंगी, एफ टू एल और क्रॉस में वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं हुई होंगी। तो देख लेते हैं, अभी तक कैपिटल आर हमने कैपिटल एफ और कैपिटल एल के बारे में पढ़ा था, अब देखते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या कहते हैं, देखिए राइट लेयर विद मिडल लेयर, राइट लेयर को मिडल लेयर के साथ घुमाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लेयर एक साथ घूमेंगी, ये राइट लेयर, ये स्मॉल आर हो गया। और स्मॉल एफ क्या कहता है, फ्रंट लेयर विद ई लेयर। ई लेयर मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, बताया तो ई लेयर होती है फ्रंट लेयर और बैक लेयर के बीच की जो लेयर है, मतलब ये वाली लेयर, ये होती है ई लेयर। तो ई लेयर और फ्रंट लेयर को एक साथ घुमाना है, मतलब कि ऐसे, ये हो गई हमारी स्मॉल एफ। और स्मॉल एल क्या कहता है, लेफ्ट लेयर विद मिडल लेयर, लेफ्ट लेयर को मिडल लेयर के साथ घुमाना है। लेफ्ट लेयर ये है और मिडल लेयर ये वाली है, तो इन दोनों को एक साथ घुमाएंगे तो ऐसे ये हो जाएगा। अब साइंस देख लेते हैं, इनके स्मॉल आर और स्मॉल एल के लिए हम अपर और डाउन एरो का यूज़ करते हैं, और स्मॉल एफ के लिए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यूज़ करते हैं। अब गाइस देखते हैं कि अगर हमने, देखिए हमने अपना एफ ट्वेल्व का पूरा पेयर जो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमारे पास एफ ट्वेल्व पेयर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास चार सिचुएशंस आ सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें बस यहाँ पे डॉट मिल सकता है, अभी हमें डॉट नहीं मिला, अभी हम देखते हैं, हमें मिला ऑल्टरनेट एल। ऑल्टरनेट एल मतलब उल्टा एल। अगर मैं इन दोनों को हटाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक उल्टा एल बन चुका है। अगर ये सिचुएशन आती है तो हम यहाँ से सीधा क्रॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमें ये लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये मतलब लाइन बाय लाइन चलता है कि डॉट के बाद फिर अल्टरनेट एल, फिर लाइन, फिर क्रॉस। लेकिन अगर हमारे पास अल्टरनेट एल आया है तो हम सीधा क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एल वो क्या है ये देख लीजिए, अल्टरनेट एल के लिए हम एफ की जगह स्मॉल एफ यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी एफ आ रहा है उनकी जगह स्मॉल एफ यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, अभी अल्टरनेट एल मिला है, उसको एकदम उल्टा पकड़िए, मतलब ऐसे अल्टरनेट एल की तरह। फिर देखिए क्या कहते हैं, एफ को क्लॉकवाइज, मैंने एफ को क्लॉकवाइज किया, स्मॉल एफ को, आर को ऊपर, मैंने आर को ऊपर किया, यू को राइट साइड, यू को मैंने लेफ्ट साइड, यू को लेफ्ट साइड किया मैंने, आर को नीचे वापस, आर को मैंने नीचे करा, यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, देन एफ को एंटी क्लॉकवाइज, एफ को एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको हाइड करूँ तो यहाँ पे एक क्रॉस आ चुका है, यहाँ पे क्रॉस बन चुका है, मतलब कि हमने सीधा ऑल्टरनेट एल से हम सीधा क्रॉस में भी आ सकते हैं। अब देखते हैं अगर हमारे पास लाइन या फिर डॉट मिले। अब देखिए गाइस, अगर हमको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन मिली हो, अगर इन दोनों को मैं हाइड करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, एक तरीके की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके लिए देखिए हमें ये एल को लगाना है, ये अल्टरनेट एल के लिए बस स्मॉल एफ लगता है, वरना सभी के लिए कैपिटल एफ का यूज़ होगा। तो अगर हमें लाइन मिले तो इसको ऐसे ही पकड़ेंगे और लगा देंगे ये एल को। एफ को एक बार क्लॉकवाइज, एफ को क्लॉकवाइज किया, आर को ऊपर किया, आर को मैंने ऊपर कर दिया, यू को मैंने लेफ्ट साइड किया, यू को लेफ्ट साइड किया, आर को नीचे किया, आर को मैंने नीचे कर दिया, यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, एंड देन एफ को एंटी क्लॉकवाइज, एफ को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए गाइस इनको हाइड करें तो फिर यहाँ पे एक क्रॉस बन चुका है। अगर हमारे साथ एजेस भी, अगर उसके कॉर्नर भी अगर हमारे साथ मैच आ जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे काम ही आसान करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे लाइन से क्रॉस में आ गए। अब देखते अगर डॉट आए हमारे, देखते अगर हमें सीधा डॉट मिला हो, डॉट मिला हो तो हमें पहले उसे अल्टरनेट एल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर हमें डॉट मिला है, हमें यहाँ पे देखो डॉट मिला है और हमारा एफ टू एल का पूरा पेयर जो है वो कंप्लीट हो रखा है। तो देखिए क्या करेंगे हम, एक बार F को क्लॉकवाइज, F को हमने क्लॉकवाइज किया, R को ऊपर, R को ऊपर किया, U को लेफ्ट साइड, U को लेफ्ट साइड किया, R को नीचे किया, R को नीचे कर दिया,
यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, देन एफ को एंटी क्लॉकवाइज, एफ को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे एक ऑल्टरनेट एल आ चुका है, उल्टा एल आ चुका है। अब इसको ऐसे ही पकड़ेंगे और ऑल्टरनेट एल से सीधा क्रॉस में जाने वाली एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। स्मॉल एफ को एक बार क्लॉकवाइज, स्मॉल एफ को क्लॉकवाइज किया, आर को ऊपर कर दिया, आर को ऊपर कर दिया, यू को मैंने राइट लेफ्ट साइड किया, यू को लेफ्ट साइड किया, आर को नीचे कर दिया, आर को नीचे कर दिया, यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, देन एफ को एंटी क्लॉकवाइज, एफ को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब हमारे यहाँ पे क्रॉस बन चुका है। तो अगर हमें डॉट ऑल्टरनेट एल लाइन मिले तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, और या फिर हमें कभी कभार सीधा क्रॉस भी बनाया बनाया मिल सकता है। देखते हैं अब ओ एल एल को कैसे हम, अगर हमें क्रॉस बना ले उसके बाद 7 से 8 केसेज आते हैं ओ एल एल के, उनके लिए जो एल्गोरिथम्स है मैं आपको वो बताता हूँ। गाइस अब हमने देखा जैसे हमें क्रॉस मिल चुका है, तो उसके बाद 7 से 8 जो एल्गोरिथम्स मतलब जो हमारे केसेज आते हैं वो देखते हैं। उनमें से सबसे पहला है ओरिएंटेशन 22। ओरिएंटेशन 22 देखिए क्या कहती है। एक हमारे जो है दो पेयर मतलब दो जो अलग कलर्स हैं जो मैच नहीं है वो हेडलाइट्स बना रहे हैं। हेडलाइट्स मतलब आप समझ सकते हैं, तो हेडलाइट्स बना रहे हैं। हेडलाइट्स को हमने अपने लेफ्ट साइड में रखा, लेफ्ट साइड में रखा, और जो दो अदर कलर है जो उसके अलावा जो दो कलर है, एक हमारे फ्रंट साइड में है और दूसरा हमारे बैक साइड में है। एक हमारे फ्रंट में है और दूसरा हमारे बैक साइड में। तो देखिए इसका एल्गोरिथम क्या है, एक बार देखते चलिए। आर को एक बार ऊपर किया, आर को मैंने ऊपर किया, यू को दो बार लेफ्ट साइड, यू को दो बार लेफ्ट साइड किया मैंने, आर को अगेन दो बार ऊपर, आर को दो बार ऊपर करा, यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, आर को अगेन दो बार ऊपर, आर को अगेन दो बार ऊपर किया, यू को वापस राइट साइड, यू को वापस राइट साइड, आर को अगेन दो बार ऊपर, आर को दो बार अगेन ऊपर किया, यू को दो बार राइट साइड, यू को दो बार राइट साइड किया, एंड देन आर को ऊपर। देखिए गाइस हमारा येलो फेज जो है कंप्लीट हो चुका है, और हमें हमारी जो है एजेस और कॉर्नर परफेक्टली मैच नहीं हुई है, वो मैच होंगे अगले पार्ट में पीएलएल के केस में। अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, मैं इसके 2-3 दिन बाद वो पार्ट भी प्रीमियर कर दूंगा। तो गाइस देखिए अब हमारा ओएलएल एक केस कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं नेक्स्ट केस में। इससे पहले देखते हैं कि इसको हम फास्टर कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब देखिए गाइस नेक्स्ट केस क्या आता है, हमने एक केस देखा, दूसरा केस देखिए क्या कहते हैं। ऑल एजेस करेक्टेड बट कॉर्नर्स फ्लिप, हमारी एजेस करेक्टेड है पर जो कॉर्नर है वो फ्लिप है, मतलब पहले वाले केस की तरह। लेकिन इसमें क्या है देखिए, दो पेयर हेडलाइट्स के हैं, ये वाला पेयर भी हेडलाइट्स बना रहा है और ये वाला पेयर भी हेडलाइट्स बना रहा है। तो देखिए ये वाला पेयर भी हेडलाइट बना रहा है यहाँ पे, और ये वाला पेयर भी हेडलाइट बना रहा है। तो इसको इसी पोजीशन में पकड़ेंगे और ये एल को पुट कर देंगे, जिससे ये पूरा फेस बन जाएगा। देखिए क्या कहता है एल को, एफ को एक बार क्लॉकवाइज, एफ को क्लॉकवाइज किया, आर को ऊपर, आर को ऊपर किया, यू को इस साइड, यू को इस साइड, आर को नीचे, आर को नीचे, यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, अगेन आर को ऊपर, आर को ऊपर, यू को लेफ्ट साइड, आर को नीचे, यू को राइट साइड, वापस आर को ऊपर, यू को इस साइड, आर को नीचे, यू को वापस राइट साइड, एंड देन एफ को एंटी क्लॉकवाइज, एफ को एंटी क्लॉकवाइज। गाइस बड़ा एल्गो लग रहा होगा लेकिन ये इजी है काफ़ी, एक ही एल्गो को बार बार इसमें दोहराया जा रहा है। तो देखिए हमारा फेस बन चुका है, इसको फास्टर देखिए कैसे कर सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से फास्टर हो सकता है। अब गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट केस जो आता है वो है शून्य, ये सूने नहीं है, शून्य है, ठीक है गाइस, शून्य शून्य। देखिए क्या कहते हैं, एक फिश टाइप की हमारे यहाँ पे पोजीशन आ जाती है, फिश टाइप की पोजीशन आ रखी है। एक कलर जो फ्लिप्ड है वो हमारे फ्रंट साइड में है, दूसरा कलर हमारे राइट साइड में है, और तीसरा कलर हमारे बैक साइड में है। देखिए एक कलर हमारे फ्रंट साइड में है, दूसरा राइट साइड में है, तीसरा भी बैक साइड में है। तो देखिए इसका एल्गो क्या होता है, इसको पूरा कंप्लीट करने का देख लीजिए एक बार। आर को ऊपर किया, यू को लेफ्ट साइड, यू को लेफ्ट साइड किया, आर को नीचे कर दिया, यू को अगेन लेफ्ट साइड, यू को अगेन लेफ्ट साइड किया, आर को ऊपर कर दिया, आर को ऊपर, यू को दो बार राइट साइड लेफ्ट साइड, यू को दो बार लेफ्ट साइड किया, एंड देन आर को नीचे। देखिए गाइस पेयर अपनी जगह पे फिट हो चुका है, इसको फास्टर करने का तरीका देखिए एक बार, कुछ इस तरीके से फास्टर हो सकता है। गाइस देखिए नेक्स्ट केस जो आता हुआ है एंटी शून्य, एंटी शून्य शून्य का एकदम अपोजिट है। इसमें जो फिश टाइप की जो हमारी पोजीशन आई है वो ऊपर की साइड में है, और एक कलर जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो फ्रंट में है, और एक राइट में है, और तीसरा बैक में है। शून्य की तरह ही है लेकिन इसका एल्गोरिथम शून्य जैसा ही है लेकिन उल्टा है। देखिए एक हमारे फ्रंट में, एक हमारे फ्रंट में है, दूसरा राइट में, दूसरा राइट में, तीसरा बैक में। इसका एल्गोरिथम देखिए एक बार कैसे कर सकते हम इसे। आर को नीचे किया, यू को राइट साइड, यू को राइट साइड किया, आर को ऊपर कर दिया, यू को वापस राइट साइड, यू को वापस राइट साइड किया, आर को नीचे कर दिया, यू को दो बार लेफ्ट साइड, यू को दो बार लेफ्ट साइड किया, देन आर को ऊपर। देखिए गाइस ये अपनी पोजीशन पे फिट आ चुका है। गाइस इसको फास्टर देखिए हम कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब गाइस नेक्स्ट है वो है ओरिएंटेशन 24। ओरिएंटेशन 24 देखिए क्या कहती है।
येलो फेस है उसके ऊपर की दो लेयर तो बनी हुई है और नीचे का भी एक पेयर फिट है, लेकिन जो उसके दो दोनों कलर्स है एक हमारे फ्रंट साइड में है और दूसरा हमारे बैक साइड में। देखिए लाइंस दो बनी हुई हैं उसकी, एक मिडल में भी बना हुआ है, एक हमारे फ्रंट साइड में है एक कलर, एक फ्रंट साइड में और दूसरा बैक साइड में, दूसरा हमारे बैक साइड में। इसका एल्गोरिथम देख लीजिए एक बार क्या कहता है। स्मॉल आर को ऊपर, देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर को ऊपर मैंने ऊपर किया, यू को मैंने लेफ्ट साइड किया, आर को नीचे कर दिया, यू को राइट साइड, स्मॉल आर को नीचे कर दिया, एफ को क्लॉकवाइज किया, आर को ऊपर कर दिया, देन एफ को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अपनी जगह पे फिट आ चुका है। देखिए हम इसे फास्टर कैसे कर सकते हैं एक बार कुछ ऐसे। देखिए नेक्स्ट केस जो आता है गाइस वो है ओरिएंटेशन 23। ओरिएंटेशन 23 भी एकदम पहले जैसी है, उसमें येलो के जो ऊपर के दो फेसेस है वो कंप्लीट है, मिडल का भी एक कंप्लीट है, लेकिन जो उसके दोनों जो मिसिंग कलर्स है जो यहाँ पे फिल नहीं है कलर्स, वो एक हेडलाइट्स बना रहे हैं। इसका एल्गोरिथम देखिए क्या है, देखिए एक बार पहले देख लीजिए, हेडलाइट्स बना रहे दोनों, ध्यान रखिएगा हेडलाइट्स बना रहे और उनमें फ़र्क था। ये इसका एल्गोरिथम है शून्य देन एंटी शून्य। देखिए क्या है शून्य देन एंटी शून्य, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। शून्य पहले हमें शून्य लगानी है, देन एंटी शून्य हमें फिर एंटी शून्य लगा देनी है। पहले शून्य लगाएंगे इसी को, इसी पोजीशन में पकड़ के, देखिए इसी पोजीशन में पकड़ के शून्य लगा देंगे। आर को ऊपर किया, यू को लेफ्ट साइड किया, आर को नीचे किया, यू को वापस लेफ्ट साइड किया, आर को ऊपर कर दिया, यू को दो बार लेफ्ट साइड एंड देन आर को नीचे। देखिए अब हमने शून्य लगाई तो एंटी शून्य की पोजीशन आ चुकी है। अब एंटी शून्य वाली एल्गोरिथम लगा देंगे तो ये फिट हो जाएगा। देखिए एंटी शून्य की एल्गोरिथम क्या कहती है, आर को नीचे कर दिया, यू को राइट साइड करा, आर को ऊपर कर दिया, यू को वापस राइट साइड, आर को नीचे कर दिया, यू को दो बार लेफ्ट साइड, देन आर को ऊपर। ये देखिए अभी अपनी जगह पे फिट आ चुका है। गाइस देखिए हम इसको फास्टर कैसे कर सकते हैं। गाइस देखिए जो लास्ट आती है वो है ओरिएंटेशन 25। ओरिएंटेशन 25 देखिए क्या कहती है, ये जो है हमारे क्रॉस में एकदम फिल है और इसके साथ के जो दो एजेस है वो भी एकदम परफेक्टली मैच है। इसका एक यहाँ पे कलर मिसिंग है और एक यहाँ पे कलर मिसिंग है। एक कलर हमारे फ्रंट साइड में होगा, एक कलर हमारे फ्रंट साइड में, दूसरा हमारे राइट साइड में। देखिए एक हमारे फ्रंट में है, दूसरा हमारे राइट साइड में। इसका एल्गोरिथम क्या है एक बार वो देख के चलिए। आर को नीचे किया, फ्रंट को क्लॉकवाइज किया, आर को ऊपर कर दिया, देन बैक को भी क्लॉकवाइज किया, आर को नीचे किया, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज किया, आर को मैंने ऊपर कर दिया, देन बैक को भी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अपनी जगह पे फिट आ चुका है ये। कि हम इसे फास्टर कैसे कर सकते हैं गाइस, कुछ ऐसे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये थे कुछ OLL के कुछ केसेस जो आते हैं टू लुक OLL में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नई लाइन और जुड़ी आज, कमेंट सेक्शन भर डालिए अपने आइडियाज से जो आपको चाहिए मेरे को अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो आएगी PLL पे, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।